गाइस ये जीरकपुर पहुंच चुका था मैं। ये अपना जीरकपुर का व्यू, मॉल वगैरह देखो कितने खुल गए हैं इधर पे दोस्तों। पंप पर पहुंच चुका था मैं और अपना डीजल डाल रहा था। इधर चंडीगढ़ में सस्ता डीजल 84 रुपए दोस्तों, मतलब मनी मात्रा में। पंजाब से हिमाचल में एंट्री हो रही है अपनी, ये चेक करो गाइस आप लोग, मतलब ये नीचे को पंजाब रह गया। वाह क्या ब्यूटी है, पर धुंध बहुत पट रही है दोस्तों। और अभी एक साइड ही चालू हुई है फ्रेंड इसकी टनल की। वाह जैसा कि आपको पता अपना एक्सप्रेस से उतर चुका था मैं और अपना इधर होटल पे रुका था खाना खाने को दोस्तों, तो खाना मैंने खा लिया और करते अब नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं पांडे ऑफिशियल 0028। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप पहले से देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो मैं बनाता रहूँगा दोस्तों। तो अब इधर से निकलता हूँ और सफ़र अपना कंटिन्यू करके जय सिया राम दोस्तों। शेरावस्ती पहुँचने वाला था मैं और शाम के 6 बजने को है और व्यू देख सकते हैं आप इस वक्त। आजकल जूस वाले भी जगह जगह पे होते हैं, मतलब आजकल सर्दियों में किन्नू का सीज़न होता है तो जूस वाले भी सही रहते हैं, पर गर्मियों में किन्नू नहीं मिलता है दोस्तों। गर्मियों में बड़ा तरस जाते हैं जूस पीने को, मतलब नेचुरल जूस तो गन्ना ही मिलता है खाली गर्मियों में। जब नेचुरल जूस जैसे आजकल अनार का हो गया, अपना किन्नू का हो गया, तो इसलिए मतलब बहुत कम मिलते हैं गर्मियों में। गर्मियों में तो बस वही केमिकल वाले जूस मिलते हैं दादा। तो अभी अपने को जाना है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में तेल डलवाएंगे और तब जाएंगे दोस्तों उधर से तेल डलवा के। और ये देख सकते हैं आप लोग भी हो, क्योंकि चंडीगढ़ में डीजल सस्ता है दोस्तों, 84 रुपीज़ है अपना चंडीगढ़ में और 89 है हिमाचल में, तो इस करके अपना चंडीगढ़ में ही डालेंगे। और फिर मतलब चाहे 200-400 का ही फर्क पड़ जाए अपने को, क्या है एवरेज भी सही है फिर डीजल की, इसलिए चंडीगढ़ में ही डीजल डालेंगे दोस्तों। गाइस ये जीरकपुर पहुंच चुका था मैं। ये अपना जीरकपुर का व्यू, मॉल वगैरह देखो कितने खुल गए हैं इधर पे दोस्तों। बुरा हाल हो जाता है फ्रेंड, मतलब जाम से किसी भी सिटी में जाओ तो इस वक्त ये जीरकपुर के हाल है, मतलब बहुत खतरनाक वाला जाम लगा है। 1 घंटा हो गया जाम में फंस के, मतलब जीरकपुर ही पार नहीं किया जा रहा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग कितना बुरा हाल है जाम से। इस वक्त तो सारे में ही जाम होता है, कोई भी सिटी हो तो हर सिटी में जाम मिलता है इस टाइम दोस्तों। तो चलो जाम पार करता हूँ और तब मिलते हैं आप लोगों को जाम पार करने के बाद। गाइस पंप पर पहुँच चुका था मैं और अपना डीजल डाल रहा था। इधर चंडीगढ़ में सस्ता डीजल 84 रुपये दोस्तों, मतलब मनी मात्रा में पंप, तो इधर पे तेल डाल रहे थे गाड़ी में। डाबे पे पहुँच चुका था मैं इधर अपना गद्दी के पीछे, तो खाना खा लेते दोस्तों अब इधर पे और उसके बाद निकलते ही अपना गिल ढाबा दोस्तों, इधर पे डिनर कर लेते हैं, भूख भी लग रही है तो फिर उसके बाद निकलते हैं फ्रेंड्स। ठीक बन चुका था मैं और रोड के हाल तो बहुत ही बुरे हाल है, मतलब 3 साल हो गए रोड को बनते बनते दोस्तों, पर अभी तक रोड नहीं बना है, ये चेक करो आप लोग, बहुत ही टूटा हुआ रोड है, बुरे हाल है रोड के। पहुँच चुका था मैं कंपनी में, ये सिंटेक्स कंपनी, मतलब इनकी पाइप वगैरह बनती है। तो भाई बोल रहे थे कि अपना सुबह हो, मतलब एंट्री करवा लेना 9 से 9:30 बजे, तो दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं, अब मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, बाकी मिलते तब आप लोगों को सुबह। जय श्री राम दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो गाइज,
गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो इधर पे खाली होगी गाड़ी अपनी, ये अब गाड़ी लाने जा रहा हूँ मैं अंदर। तो मिलते हैं आप लोगों को खाली करने के टाइम में दोस्तों। तो अपना खाली करके इधर से निकलते अपना मंडी सुंदरनगर के लिए। पहले गाड़ी ले आते हैं, बोरे है कि गाड़ी ले आओ खाली करने को, इधर लगा दो। ये सिंटेक्स कंपनी, मतलब जो अपनी पानी वाली टंकी आती है सिंटेक्स कंपनी की, वो कंपनी है। इधर पे टंकियाँ बनती है। तो चलो दोस्तों, जय सियाराम। तो दोस्तों, आ चुका था गाड़ी खाली करके मैं, और अपना किरतपुर साहिब पहुंच रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग व्यू इस वक्त किरतपुर साहिब का। तो अब अपने को जाना है मंडी सुंदरनगर हिमाचल, गाड़ी खाली करने दोस्तों। तो शाम के 4 बज चुके हैं। आज खाना भी नहीं खाया क्योंकि खाना मिला ही नहीं उधर पे, था नहीं कोई ढाबा वगैरह जिधर पे गाड़ी खाली करी मैंने। तो अब देखते हैं, पहुँचा हूँ मेन रोड पे, इधर पे कोई ढाबा वगैरह होगा तो खाना खाते हैं, और उसके बाद सफ़र कंटिन्यू रहेगा अपना। फ्रेंड ये चेक करो आप लोग व्यू, ये हिमाचल और अपनी पंजाब की बाउंड्री है। बाउंड्री पे बना हुआ है बिल्कुल रोड, मतलब ये इधर में पंजाब है और इधर में अपना राइट साइड में हिमाचल है। पंजाब से हिमाचल में एंट्री हो रही है अपनी, ये चेक करो गाइज आप लोग, मतलब ये नीचे को पंजाब रह गया। वाह क्या ब्यूटी है, पर धुंध बहुत पड़ रही है अभी दोस्तों। ये चेक करो गाइज आप लोग व्यू, एक साइड ही चालू हुई है फ्रेंड जिसकी टनल की। वाह डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। दो किलोमीटर की टनल है कम से कम फ्रेंड्स। पर हिमाचल की ब्यूटी हिमाचल की है दोस्तों। ये सतलुज नदी फ्रेंड्स, मतलब इधर पे डैम बना है, चेक करो आप लोग कहाँ तक पानी भरता है, मतलब जहाँ पे आपको निशान दिख रहा है दोस्तों वहाँ तक पानी भरता है इसमें फुल गर्मी में। आजकल मतलब कम होता है, जब गर्मी होती है तो इतना पानी भर जाता है इसमें, आजकल थोड़ा कम है पानी, थोड़ा नहीं बहुत कम है। किनारे किनारे तो भयानक धुंध है। पहुँच चुका था मैं ये मंडी बाज़ार दोस्तों। तो अपने को इधर से रह चुका है 50 किलोमीटर का सफ़र, अब मतलब कुल्लू में जाना है मेरे को। पहले मंडी बोल रहे थे, अब बंदे से बात हुई है कि मतलब कुल्लू में पड़ता ये, मतलब क्या नाम था वहाँ का, झीरी झीरी नाम करके है कोई कुल्लू में स्टेशन है। तो उधर जाना है मेरे को फ्रेंड, मतलब उधर पर खाली होगी गाड़ी अपनी।
मंडी बाजार का व्यू। बाजार पार कर लिया था मैंने दोस्तों, मतलब बाजार में वीडियो नहीं बना पाया, तब आप लोगों को पता ही है फिर बाजार में दिक्कत रहती है थोड़ी वीडियो बनाने में, तो इसलिए बाजार पार करके वीडियो बना रहा हूँ अब। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को आगे के सफर में, और वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को बीच में मत छोड़े दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखे। तो अपने को 50 किलोमीटर रह चुका है इधर से टोटली सफर दोस्तों। जब पीछे भी फ्लड आया था तो मतलब इधर से फिर बनाया है रोड, नहीं तो शॉर्ट था नीचे से, फिर इतना घूम के आना पड़ता है। देखो आप इधर फिर अपना डैम है, नहीं तो वहीं से जब अभी पीछे बरसात में मतलब बाढ़ आई थी उस वक्त रोड टूटा था दोस्तों, नहीं तो मतलब अपना नीचे जो डैम है उधर से राइट साइड में मुड़ के अपना बिल्कुल सीधा आता था रोड, और अब इतना घूम के बनाया इधर से, मतलब बहुत नुकसान हुआ है रोडों का फ्रेंड्स। इधर तो मतलब अपना बहुत ही हुआ है कुल्लू मनाली, और इधर तो भयानक वाला नुकसान हुआ है दोस्तों, जिसको बोलते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त वाला नुकसान, कई 100 करोड़ का नुकसान हिमाचल में रोड ही रोड का है ओनली फ्रेंड्स। उस दिन न्यूज़ में देखा था मैंने, कई 100 करोड़ का नुकसान है रोड ही रोड का फ्रेंड्स, तो खुद समझो कहाँ से इतने जल्दी बन पाएंगे रोड जब टूटे हुए हैं, तो इस करके आप लोगों को पता ही है टाइम तो लग जाता है हर चीज़ में, पर फिर भी बहुत सुधर गए, मतलब बहुत बना दिए रोड अभी भी मतलब चलने लायक, जिस हिसाब से उस बरसात में स्थिति थी तो उस हिसाब से तो इधर तो बहुत बुरा हाल था, पर लूटपाट बहुत मचाई हुई थी इधर के लोगों ने, इसलिए भगवान जी ने इधर प्रलय दे दी। मतलब ये अभी भगवान जी ने बताया है कि ऐसा भी होता है कि सुधर जाओ अभी भी मौका है, पर लोग फिर भी नहीं सुधरते हैं, लोगों का तो आप लोगों को पता ही है कि बस पैसा पैसा पैसा, ऐसा पैसा क्या है जो पैसे के पीछे ही दौड़ते हैं 24 घंटे। एक बन गई है मतलब ओके, बस रोड थोड़ा बहुत जो बरसात में टूटा है वही टूटा है, बाकी बन जाएगा ये भी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कुछ टाइम में ये भी बन जाएगा। बाकी टनल तो एक से एक बन गई है, ज़बरदस्त टनल है, और रोड भी एक नंबर बन चुका है, 4 लाइन रोड पूरा मनाली तक अपना। धूल देखो कितनी है फ्रेंड्स, टनल साफ नहीं हुई अच्छे से, इस करके धूल है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो झीरी पहुँच चुका था मैं मंडी से आगे अपना मनाली वाले रोड पे, अपना भुंतर से पीछे पड़ता है ये झीरी, तो भाई से बात हुई थी कि उधर खाली होगी, तो रात को आ चुका था दोस्तों जैसा कि आपको बताएं। तो अब इधर झीरी पहुँचने वाला था मैं, और मौसम तो आप लोग देख ही सकते हैं, बाकी आप लोगों को अभी जाके दिखाता हूँ मैं कि किधर पे जाना है अपने को, मतलब किधर पे खाली होगी गाड़ी। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते तब आप लोगों को आगे जाके, और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली पहुँच चुका था दोस्तों मैं झीरी, जिधर पे अपनी गाड़ी खाली होनी है, तो इधर पे अपनी गाड़ी खाली होगी, और भी भाई लोगों की गाड़ियाँ इधर पे, मतलब 3 गाड़ियाँ मेरे से पहले थी, तो उसके बाद अपनी होगी। तो आज अपना लंच अपना ही बना रहे थे हम, और बाकी सामान वगैरह ले आए थे हम, बाकी भाई लोग अपने साथ, और तो आज हम इधर पे मतलब पिकनिक कर रहे हैं, ये इधर पे नेचर ट्रीट मतलब होटल है, इसके साथ ही खाली हो रही है गाड़ी, ये ब्यास नदी साथ में। चलो बाकी व्यू आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले खाना बना लेते हैं दोस्तों। तो गाइज ये अपनी ब्यास नदी, इधर पे राफ्टिंग होती है, ब्यास नदी है ये अपना, इधर पे होटल है, मतलब इधर पे हमारी गाड़ियाँ खाली हो रही है फ्रेंड्स। तो इधर पे राफ्टिंग होती है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत से टूरिस्ट आते हैं इधर पे राफ्टिंग करने। हम भी मज़े ले रहे हैं आज इधर पे दोस्तों, बाकी भाई लोग अपने साथ है गाड़ी, इनकी पीवी नंबर भाई की। तो गाइज गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, तो कल अपनी गाड़ी खाली हुई नहीं दोस्तों, तो आज अपनी गाड़ी खाली हो रही है,
कल भाई लोगों की खाली हुई तो रात को वीडियो भी नहीं बनाई मैंने, तो इसलिए भाई ने इधर पे मतलब होटल पे रुकाया था रात को, जहाँ पे खाली हो रही थी गाड़ी अपने फ्रेंड। तो अब सो के उठाऊँ, सुबह के 9-10 बज चुके हैं, इधर पे रुके थे रात को भाई हम। तो अभी बस नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ एकदम। तो चलो अब गाड़ी लगा दी थी खाली करने को, देखते हैं दोस्तों खाली होगी गाड़ी अपनी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहे फ्रेंड, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। आज मौसम थोड़ा सा खराब है, आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। जय श्री राम दोस्तों। फ्रेंड्स इधर पे सारे में पानी भर गया था पीछे, जब अभी अपना वो बाढ़ आई थी इधर पे, ये देख सकते हैं आप लोग, इधर पे सारे में पानी पानी था, मतलब रेत भर गई है सारे में, देख सकते हैं आप लोग, चेक करो गाइस ये। मतलब नहीं तो ब्यूटी यहाँ की ज़बरदस्त होती थी, ये देखो आप लोग। इधर पे होटल्स थे ये रुकने के लिए बने हुए फ्रेंड्स, सारे पानी से बर्बाद हो गए जब अभी बरसात आई थी पीछे फ्रेंड्स। इधर पे राफ्टिंग वगैरह होती थी, ये चेक करो आप लोग। ये ब्यास नदी है यहाँ पे जो बह रही है, ये ब्यास नदी है दोस्तों। पर इस बार बारिश नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया भगवान को दोस्तों। तो चलो दोस्तों मिलते हैं तब आप लोगों को। अब जाता हूँ गाड़ी के पास, खाली हो गई है कि नहीं चेक करता हूँ फ्रेंड्स। इधर पे व्यू दोस्तों, ये अपनी गाड़ी खाली हो रही है उधर पे सामने, चेक करो फ्रेंड्स। धूप लगी है नहीं तो अभी तक मौसम खराब था दोस्तों। अब जाते हैं गाड़ी के पास और फिर अपने पैकिंग वगैरह कर लेते हैं और फिर निकलते हैं इधर से दोस्तों। हो चुकी थी गाड़ी अपनी खाली और रिसीविंग वगैरह मैंने ले ली दोस्तों। अब इधर से निकलते हैं और सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी खाली हो चुकी थी, गाड़ी में ही पलटी हुई अपनी गाड़ी। चलो दोस्तों सफ़र अब कंटिन्यू करते हैं अपना, आप लोग आगे के सफर में। जय श्री राम दोस्तों। मतलब जब इधर मनाली आते हैं तो टनलें बहुत पड़ती है। अब देखो फिर से यहाँ पे दूसरी टनल स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, ये चेक करो आप लोग। मतलब ये ओंट वाली टनल है दोस्तों, मतलब झीरी से पीछे ओंट पड़ता है, ये वो वाली टनल है। तो चलो दोस्तों अब भूख भी लग रही है, कहीं ढाबे पे रुक के खाना खाते हैं और तब निकलेंगे दोस्तों उधर से अपना खाना खाने के बाद। पंडो डैम इधर पे दोस्तों, ये पंडो डैम है इधर पे। इस मंडी से आगे आ चुका था मैं, मंडी पार कर लिया मैंने दोस्तों और सुंदरनगर पहुंचने वाला हूं। सुंदरनगर अपने को इधर से मतलब 15 किलोमीटर रह गया दोस्तों, चेक करो आप लोग व्यू। स्वारघाट पार कर लिया था मैंने, आजकल अंधेरा एकदम हो जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी 6 बजे और 6 बजे ही अंधेरा, देखो आप लोग। तो मेरे को जाना है मनी माद्रा दोस्तों, और फिर मनी माद्रा बोले तो चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से देखते हैं कल क्या बनता है लोडिंग का अपना रोड का। फिर जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा आपको वीडियो में पूरा बताऊँगा दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलो दोस्तों मिलते तब आप लोगों को। गाइस खरड़ पड़ने वाला था मैं और धुंध चालू हो चुकी है, मतलब पंजाब में जैसे ही अपनी एंट्री हुई वैसे ही धुंध पड़नी स्टार्ट होगी दोस्तों, ये चेक करो आप लोग धुंध। तो गाइस जैसा कि आपको बताया अपना मनी माद्रा पहुंच चुका था मैं, और अपना खाना वगैरह अब खाते हैं। बिट्टू ढाबे पे जाता हूँ और खाना खा लेते हैं दोस्तों और फिर रेस्ट करते हैं, बाकी सुबह का सुबह देखते हैं क्या बनता है।
तो इस ब्लॉग को भी करते हैं पेंड दोस्तों। तो जो मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाकी जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी अपना प्यार यूं ही देते रहे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। और चलो जय सियाराम दोस्तों, मिलते तब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।